बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी जानकारी इस फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी ने दी है। हाल में रोहित शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में इनके साथ करण जौहर भी नजर आ रहे हैं। करण जौहर सूर्यवंशी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी फोटो के साथ इस फिल्म की शूटिंग के बारे में भी पता चला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ नजर आने वाली है। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगे। वहीं अक्षय कुमार जब भी पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आते हैं तो उनकी फिल्में काफी हिट रहती है। ऐसे में क्या उनकी ये फिल्म भी हिट हो पाएगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अक्षय कुमार की ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 22 मई 2020 को रिलीज होगी, यानी कि ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। ईद के मौके पर रिलीज होने की वजह से इस फिल्म के भिड़ंत में सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह से देखने को मिलेगी। लेकिन हाल ही में सलमान खान ने खुद अक्षय कुमार को फोन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसा क्लैश नहीं होने देंगे। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के जबरदस्त एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में आज से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अक्षय कुमार की इस फिल्म के बारे में, साथ ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट के बारे में क्या कहना चाहता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे का आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।